शिवराज कैबिनेट की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। बैठक में अनेक प्रस्ताव आए जिन्हें चर्चा के बाद मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णय की संसदीय कार्य मंत्री और सरकार के प्रवक्ता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विस्तार से जानकारी दी। दतिया जिले में भांडेर विधानसभा के लिए 330 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की अनुमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो दतिया जिले में लगने के लिए जा रहा है। जो प्रदेश में प्राइवेट बसें संचालित हो रही थी और कोरोना के पीरियड में लॉकडाउन जब था उस समय वो बसें बंद थी, तो 130 करोड़ रुपया आज मध्य प्रदेश की सरकार ने उन बसों का जो देय मासिक वाहन कर था 130 करोड़ रुपए की छूट मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इन बस मालिकों को प्रदान की गई। जो भूमि दबंगों से, भूमाफियाओं से, अतिक्रमण कारकों से छुड़ाई गई है वो भूमि गरीबों को आवास के लिए, आंगनवाड़ियों के लिए, स्कूलों के लिए दे जाए, ऐसा निर्णय किया। नगर निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर नगरीय प्रशासन और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि पार्टी में सबसे चर्चा के बाद ही टिकट वितरण किया जाएगा और पार्टी जिस कार्यकर्ता को टिकट देगी वे जीतेगा। भाजपा अनुशासित पार्टी है, हमारा कार्यकर्ता नेता पार्टी को प्राथमिकता देता है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसका सभी कार्यकर्ता समर्थन करेंगे। देखिए, निकाय चुनाव में जो टिकट का क्राइटेरिया है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं में से देखकर और सबसे चर्चा करके पार्टी तय करेगी। अब हमारे कई स्थानों पर 4-4, 6-6, 8-8 कार्यकर्ता हैं जो सब एक के उसमें है, मतलब वो कोई को भी दें तो जीत सकते हैं। तो वहाँ पर बातचीत करके और कोशिश ये होगी कि सभी जगह भारतीय जनता पार्टी से जिसको मैंडेट दें वही चुनाव लड़े। और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के अनुशासन को हमेशा प्राथमिकता देता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैडरवेस पार्टी है और इसलिए अधिकांश स्थानों पर जिसको भी पार्षद का टिकट पार्टी देगी उसका सभी लोग समर्थन करेंगे और कहीं पर भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कल पंचायत चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन था। प्रदेश भर में कई जगह भाजपा समर्थित सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य भी निर्विरोध चुने गए हैं। कांग्रेस किसी भी चुनाव में फाइट में नहीं है। कांग्रेस बस यही प्रयास करती है कि भाजपा से कोई टूट कर आ जाए और हम उसे टिकट दे दे। कांग्रेस के पास खुद का कुछ भी नहीं बचा है। कांग्रेस में लोग बचे ही नहीं है और जो बचे हैं वह पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पूरे प्रदेश में कहीं पर भी फाइट में ना पंचायत चुनाव में है ना नगरीय निकाय चुनाव में है। कांग्रेस तो ये प्रयास करती है कि भाजपा से कोई टूट के आ जाए और फिर हम उसको टिकट दे दें। कांग्रेस के खुद के पास तो लोग हैं ही नहीं है। कांग्रेस में लोग बचे नहीं हैं, जो बचे हैं वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस तो ये कोशिश करती कि भाजपा से कोई निकल के आ जाए और हम उसको टिकट दे दें। पिछले बार भी उनके जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तो जो कांग्रेस से कैंडिडेट उनके जीते थे वो सब भाजपा के पुराने कैंडिडेट थे। तो कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं है। वो तो ये कोशिश करते कि भाजपा में कोई आ जाए और हम उसको टिकट दे दें। तो इसलिए कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है और बहुत उत्साह के साथ पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, नगरीय निकाय के भी, पंचायतों के भी। लोगों को बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी और सभी जगह अभी तक शांतिपूर्वक नामांकन हुए हैं। कहीं पर भी पूरे प्रदेश में इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है कि कहीं पर भी नामांकन में किसी को किसी प्रकार की कठिनाई हुई हो। पूरी निष्पक्षता के साथ राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा है और सब जगह शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं।
चुनाव में टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस की बैठक में चले लात घूसों पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस की संस्कृति नहीं है कि उन्हें बैठक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। पार्षद टिकट के चयन में वाद विवाद कांग्रेस की चुनाव पूर्ण की नेट प्रैक्टिस है। इसमें नया क्या है और इसमें खबर क्या है? बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। ये तो उनकी नेट प्रैक्टिस है जो चुनाव के पहले होती है, वो चुनाव के पहले कर रहे हैं। ये उनकी एक संस्कृति का अंग है, इसके माध्यम से वो आपके बीच जनता के बीच आते हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप पड़ी हुई है और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की अकर्मण्यता और सरकार में बैठे मंत्री विधायकों और भाजपा नेताओं के सरकारी संरक्षण के कारण प्रदेश अपराध का अभयारण्य बन चुका है। मध्य प्रदेश में 52 जिलों में औसत 29 बच्चे, 24 लड़कियां और 5 लड़के प्रतिदिन लापता हुए हैं। NCERB के ही आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश बाल अपराधों और मासूमों के साथ दुष्कर्म में देश में अव्वल दर्जे पर है और मध्य प्रदेश सबसे असुरक्षित प्रदेश है, जहां प्रतिदिन 46 बच्चे हत्या, दुष्कर्म और अपहरण जैसे गंभीर मामलों के शिकार हुए हैं। प्रतिदिन करीब 6 मासूम बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की दर 59.1% है। यह तस्वीर मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य कही जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कथित सुशासन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। इश्तिहारों में मध्य प्रदेश को सबसे बेहतर प्रदेश बताने की कोशिश करते हैं, मगर हमने इन प्रामाणिक आंकड़ों के माध्यम से उस फरेबी तस्वीर को उजागर करने की कोशिश की है और ये ना केवल कोशिश है बल्कि सरकार को आईना दिखाने का माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रयास है। हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कि कम से कम यह तस्वीर, जिससे आप और हम खुद या हमारी माँ बहनें, हमारे पिता, हमारे भाई, हमारी बच्चियाँ असुरक्षित महसूस कर रही हैं, सरकार को आईना दिखाने के लिए आप भी हमें सहयोग करेंगे तो मैं सोचूंगा कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का एक न केवल धर्म निभाएंगे बल्कि प्रतिपक्ष को भी मजबूती देंगे। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।